नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जिला पुलिस को जुआ और सट्टा खेलने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाए जाने के लिए निर्देश दिए हुए हैं। इन्हीं निर्देशों के तहत कार्यवाही करते हुए अपराध शाखा पलवल की टीम ने आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों से 53,000 रुपए से अधिक की नकदी बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सीआईए इंचार्ज इंस्पेक्टर मोहम्मद इलियास ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति शेखपुरा कॉलोनी में आईपीएल मैच पर सट्टा लगा रहे हैं। सूचना पर उप निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते हुए 6 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान सुरेंद्र निवासी रतिपुर थाना सदर पलवल, गुलशन पुत्र गोविंद राम निवासी गांव अटोहा थाना सदर पलवल, रोहित पुत्र रघुवीर सिंह निवासी मकान नंबर D148 नज़दीक सरकारी हाई स्कूल सल्लागढ़ थाना कैंप पलवल, नवनीत पुत्र गुरमेश निवासी वार्ड नंबर 7 नज़दीक गांधी आश्रम पलवल थाना शहर, शेखपुरा कॉलोनी पलवल थाना शहर निवासी सोकरन पुत्र वीर सिंह एवं वैभव पुत्र अजीत सिंह के रूप में हुई है। टीम को मौके पर कुल 18 मोबाइल फोन, 2 रजिस्टर, 2 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 3 मोबाइल चार्जर, 3 लैपटॉप चार्जर, 2 LCD लाइन बॉक्स और कुल 53,440 रुपये बरामद हुए। आरोपियों पर ऑनलाइन क्रिकेट मैच पर रुपए दाव पर लगाकर सट्टा खेलकर एवं खिलाकर आम जनता के साथ धोखाधड़ी करने पर केस दर्ज किया गया। पलवल से हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा की रिपोर्ट। सट्टा लगाने वाले पकड़े गए, कहां से होते हैं? ये आजकल आईपीएल जो मैच चल रहे हैं उस मैच को देखते हुए पलवल एसपी श्री लोकेंद्र सिंह आईपीएस एसपी पलवल के दिशा निर्देश पर एक टीम गठित करी, तो उसके टीम ने अपनी मुखबरी के आधार पर आज शेखपुरा पलवल से 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। सूचना पर भी पता लगा कि भाई यहाँ पर आईपीएल के मैच पर सट्टा लगा रहे हैं, जो 6 आरोपियों को वहाँ से पकड़ा तो उनसे पूछताछ पर उन्होंने बताया कि भाई अपने फरीदाबाद से ये लाइन ली हुई है और हम इस पर सट्टा लगा रहे हैं। आरोपियों की पहचान? आरोपियों की पहचान एक सुरेंद्र सनव बलदेव है रतिपुर का, गुलशन सनव गोविंद है अटोहा का, रोहित सनव अजमेर सल्लागढ़ का, नवजीत सनव गुरमेश गांधी आश्रम पलवल, शोकरण सनव वीर सिंह शेखपुरा पलवल, वैभव सनव अजीत शेखपुरा पलवल। ये 6 के 6 आरोपी पलवल के ही रहने वाले। सर क्या क्या माल बरामद किया है इनसे? इनसे सुरेंद्र से 35,010 रुपये बरामद हुए हैं और एक मोबाइल फोन, गुलशन से 1 मोबाइल फोन, रोहित से 3 मोबाइल फोन और 18,000 रुपये, नवजीत से 1 मोबाइल फोन, शोकरण से 1 मोबाइल फोन 360 रुपये, वैभव से 1 मोबाइल फोन और 70 रुपये बरामद हुए हैं और 4 फोन बड़े जो लाइन जिन पर चला रखी है 4 फोन वो बरामद हुए हैं। 1 लाइन बॉक्स बरामद हुआ है जिसके अंदर 6 कीपैड फोन मोबाइल लगे हुए थे बरामद हुए हैं, 2 लैपटॉप बरामद हुए हैं, 3 मोबाइल चार्जर बरामद हुए हैं, 3 लैपटॉप चार्जर बरामद हुए हैं, 2 LCD बरामद हुए हैं, एक बड़ी और 2 रजिस्टर जिनमें ये अपने नंबर लिख रहे थे जो सट्टा के नंबर लिखे जाते हैं और 1 कीपैड, 1 सट्टा के नंबर लिखने वाला और 1 टैबलेट बरामद हुआ है जो कुल 53,440 रुपये इनसे नगद बरामद हुए हैं। बाकी जो रजिस्टर में इन्होंने नंबर लिखे हुए हैं उसके आधार पर रजिस्टरों को कब्जा में लिया गया। तो ये घर में ही सट्टा चल रहा था कहाँ या किसी ऑफिस में? ये जहाँ से गिरफ्तार? मकान में सट्टा चल रहा था। किसी में सिंगल मकान था, क्या है लिया हुए इनमें से किसी एक मकान? इनमें से एक मकान है, इसमें कौन सा है?
ये अपने जो शेखपुरा पुलिस उपकरण का मकान है। कितने दिनों से ये बता रहे हैं भाई, हमने कल ही यहाँ शुरू किया था, इससे पहले हम बाहर करते थे। ये तो मैं नहीं कह सकता जी, पटवारी का लड़का है या किसी और का है। तो इनके तार आगे भी कहीं जुड़े हुए? हाँ, इनके तार ये जो इन्होंने लाइन वृंदावास से ली हुई है वहाँ तार जुड़े हुए हैं, उसको भी हम इनको आज पेश अदालत करने के बाद उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। जिन लोगों ने रजिस्टर में जो सट्टा लगाने वालों का नाम है उन पर भी कार्रवाई होगी? अभी देखो, इनसे एड्रेस पूरा पूछेंगे, उसके बाद में फिर अगर कोई कार्रवाई बढ़ेगी तो नियम अनुसार हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। इनमें कोई नेता या कोई नेता का पुत्र कोई सामने है? नहीं, ऐसा कोई नेता इनका नहीं है अभी। नहीं, ऐसा कोई सामने नहीं है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।